दोस्तों आईपीएल 2022 के ऊपर आज के दिन कुल 10 बड़ी अपडेट निकल कर के सामने आ रही है, जहां पर पहली अपडेट है प्री ऑक्शन के डेट को लेकर। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के नए प्लेयर, आरसीबी के प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11, टी नटराजन के ट्रांसफर और भी कई सारी बड़ी अपडेट आईपीएल के ऊपर निकल कर सामने आ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी खबरों के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन आईपीएल से रिलेटेड सभी न्यूज दे देते हैं। तो इस लिस्ट की पहली बड़ी अपडेट है शाहरुख खान की तरफ से, और विजय हजारे ट्रॉफी में कल खेले गए मैच में शाहरुख खान ने सिर्फ 39 गेंदों पर 79 रनों की आतिशी पारी खेली है और इस साल के मेगा ऑक्शन में इस प्लेयर को सभी टीमें टारगेट करेगी और 10 करोड़ से ऊपर तक की रकम में ये प्लेयर बिक सकता है। इसके बाद इस लिस्ट की दूसरी बड़ी अपडेट है वुमेन्स आईपीएल को लेकर। तो न्यूजीलैंड के वुमेन्स कैप्टन ने बताया है कि अगर वुमेन्स आईपीएल को स्टार्ट किया जाता है तो महिला का क्रिकेट एक बेहतरीन दिशा में जाएगा। इसके बाद इस लिस्ट की तीसरी बड़ी अपडेट है ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले विकेट कीपर्स को लेकर। तो इस साल के ऑक्शन में केएस भरत, दिनेश कार्तिक, रिधिमान शाह, जॉनी बेरेस्टो, क्विंटन डिकॉक, निकोलस पूरन, एलेक्स कैरी, जोस फिलिपी और मैथ्यू वेट पार्टिसिपेट करेंगे और इतने ही विकेट कीपर्स इस साल के ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद इस लिस्ट की चौथी बड़ी अपडेट है आरसीबी के प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 को लेकर, यानी कि आईपीएल 2022 में आरसीबी टीम का प्लेइंग 11 किस प्रकार से होगा। तो यहां पर बात करते हैं सबसे पहले ओपनर्स के बारे में। तो इस टीम के लिए ओपन करेंगे डेविड वार्नर और विराट कोहली, उसके बाद तीसरे नंबर पर आ सकते हैं राहुल त्रिपाठी, उसके बाद चौथे नंबर पर ग्लेन मैक्सवेल, पांचवें नंबर पर बेन स्टोक्स, छठवें नंबर पर कृणाल पांड्या, सातवें नंबर पर वाशिंगटन सुंदर, आठवें नंबर पर रवि बिश्नोई, नौवें नंबर पर ट्रेंट बोल्ट, दसवें नंबर पर मोहम्मद सिराज और ग्यारहवें नंबर पर टी नटराजन। तो आईपीएल 2022 में मेरे अकॉर्डिंग आरसीबी का प्लेइंग 11 इस प्रकार से हो सकता है। तो आपको क्या लगता है आरसीबी का प्लेइंग 11 कैसा होना चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। और कमेंट में ये भी बताएं कि अगली प्लेइंग 11 आप किस टीम के ऊपर देखना चाहते हैं। इसके बाद इस लिस्ट की पांचवी बड़ी अपडेट है लखनऊ की टीम की तरफ से, और इस टीम ने अपना कोर रेडी कर लिया है, जहां पर इस टीम के कप्तान बनेंगे केएल राहुल, कोच होंगे एंडी प्लावर और मेंटोर होंगे गौतम गंभीर। तो आईपीएल 2022 के लिए लखनऊ ने काफी बेहतरीन तैयारी कर ली है। इसके बाद इस लिस्ट की छठवीं बड़ी अपडेट है यजुवेंद्र चहल को लेकर, और चहल मेगा ऑक्शन में आएंगे। और काफी दिनों पहले चहल ने बताया था कि वो चेन्नई की टीम की तरफ से खेलना चाहते हैं, तो इस साल के ऑक्शन में चहल को चेन्नई की टीम टारगेट कर सकती है। इसके बाद इस लिस्ट की सातवीं बड़ी अपडेट है टी नटराजन की तरफ से, और इस साल के मेगा ऑक्शन में टी नटराजन पार्टिसिपेट करेंगे और इस प्लेयर को आरसीबी की टीम टारगेट करेगी, क्योंकि बेंगलुरु की टीम को एक बेहतरीन डेथ बॉलर की तलाश है और नटराजन बुमराह के बाद एकमात्र ऐसे इंडियन बॉलर है जो की एक ओवर में 3-4 यॉर्कर आराम से फेंक सकते हैं। तो यहाँ पर आरसीबी की टीम इस प्लेयर के ऊपर 8-10 करोड़ तक की बोली लगाएगी। इसके बाद इस लिस्ट की आठवीं बड़ी अपडेट है प्री ऑक्शन के डेट को लेकर। तो 25 दिसंबर को प्री ऑक्शन होने वाला था, लेकिन अब अहमदाबाद टीम के चलते 31 दिसंबर को मोस्ट प्रोबेबली प्री ऑक्शन देखने को मिलेगा, जहां पर यह प्री ऑक्शन मुंबई में शुरू हो सकता है और इसका सीधा लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स की नेटवर्क करेगी। इसके बाद इस लिस्ट की नौवीं बड़ी अपडेट है रिंकू सिंह की तरफ से, और विजय हजारे ट्रॉफी में टोटल 6 इनिंग में 379 रन बना चुके हैं, जिसमें 4 अर्धशतक और 1 शतक शामिल है। और चेन्नई की टीम ने इस प्लेयर को ट्रायल कैंप के लिए बुलाया है, तो चेन्नई की टीम ऑक्शन में इस खिलाड़ी को टारगेट कर सकती है। इसके बाद इस लिस्ट की आखिरी बड़ी अपडेट है राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से, और राजस्थान की टीम आज से नागपुर में ट्रायल कैंप स्टार्ट करेगी जो कि 29 दिसंबर तक चलेगा। तो कुल मिला के राजस्थान की टीम आईपीएल 2022 के ऑक्शन की तैयारी
शुरू कर चुकी है। तो यही था IPL से रिलेटेड कुल 10 बड़ी अपडेट। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में टेलीग्राम पर फॉलो करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।